हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोटीन में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर अमीनो एसिड कंटेंट और अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटीज। प्रोटीन को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब शारीरिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। देयर अमीनो एसिड कंटेंट, अमीनो एसिड की सामग्री के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज मतलब पोषण संबंधी गुण के अनुसार में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड ओनली, सिंपल प्रोटीन में सिर्फ अमीनो एसिड ही रहता है। एग्जाम्पल एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स, दे आर सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विथ ए नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। ये सिंपल प्रोटीन है, उसके कंबाइन होता है नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के साथ। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस अटैच विथ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, जो प्रोटीन के साथ अटैच होता है, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल है फॉस्फोप्रोटीन, जो कि कंजुगेटेड विथ फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन और फॉस्फोरिक एसिड। लिपोप्रोटीन कंजुगेटेड विथ लिपिड्स, ग्लोबिन इन हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ग्लूटेनिन इन व्हीट, लैक्टोअल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन इन मिल्क आर सम एग्जाम्पल्स। थर्ड वन इज डिराइव्ड प्रोटीन, दिस प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एसिड्स और अल्कलीज। एग्जाम्पल्स आर पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। अकॉर्डिंग टू द अमीनो एसिड कंटेंट ऑफ द प्रोटीन, कितना अमीनो एसिड कंटेंट है प्रोटीन में, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन। There are 20 amino acids commonly found in dietary protein. 20 amino acid commonly found होते हैं हमारे dietary protein में। The body can synthesize only some of them. Essential amino acids, these amino acids cannot be synthesized by the body and these have to be supplied through the diet. कुछ amino acid हैं जो हमारा body synthesize नहीं करता है। सिंथेसाइज मतलब संश्लेषित, और इस प्रोटीन को हमारा खाने के थ्रू हमारे बॉडी को सप्लाई करना है। एग्जांपल्स आर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, आर्गिनाइन, हिस्टिडीन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनाइन, वैलिन, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज this amino acid by the mutual interconversion among them and from non-protein sources. हमारा body इस amino acid को बनाता है by mutual interconversion among them, पारस्परिक अंतर रूपांतरण करके, और from non-protein sources, जो non-protein sources से बनाता है। Examples are alanine, cysteine, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, सेरिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन, टायरोसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज मतलब पोषण संबंधित गुण के अनुसार में प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। प्रोटीन मेंटेन लाइफ एंड प्रोमोट ग्रोथ, डिफरेंट प्रोटीन फुलफिल these function to different level and according to this they are classified as complete, partially complete and incomplete protein. Protein हमारा life को maintain करता है and growth को बढ़ावा देता है. Different protein fulfill these function to different levels. अलग अलग protein ये कार्य को fulfill करते हैं डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्तर पे ये लोग ये करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार प्रोटीन को तीन भाग में डिवाइड किया गया है।
complete, partially complete and incomplete. Complete proteins. The protein which contain enough of essential amino acids to maintain body tissues and to promote a normal rate of growth. जो protein जो कि essential amino acid उसमें भरपूर रहता है, enough जितना हमको हमारे body के लिए चाहिए, और इससे वो body tissues and normal हमारा normal rate of growth को promote करता है. Example, egg, milk, meat. Partially complete protein, they can maintain life, but they lack in essential amino acids for growth. ये life को maintain तो करता है, but इसमें essential amino acid नहीं होते हैं जो कि हमारे body को body के लिए चाहिए. Examples, protein, जो protein obtained from cereals, मतलब जो wheat, paddy, ये सब में, एंड लेग्यूम्स, जो लेंटिल्स हमारे डाल जाती हैं खाद्य में होते हैं. इनकम्प्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आर इनकैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग और बिल्डिंग न्यू टिश्यूज एंड हेंस कैन नॉट सपोर्ट लाइफ. इनकम्प्लीट प्रोटीन हमारा टिश्यू को बिल्ड करने में या रिप्लेस करने में इनकैपेबल नहीं कर पाते हैं, हेंस इसीलिए वो हमारे लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं. एग्जाम्पल, जेन इन कॉर्न एंड जेलाटिन, कॉर्न में जेन और जेलाटिन.